महादेव और विष्णु का प्रलयकारी युद्ध। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों से ही संसार है। एक दूसरे को अपना आराध्य मानने वाले तीनों भगवान इस सृष्टि के जन्मदाता हैं। इसका पालन पोषण इन्हीं के हाथों में है। लेकिन तब क्या हो जब सृष्टि दाता ही एक दूसरे से विमुख हो जाए? क्या ऐसे में संसार की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी जब एक दूसरे को पूजनीय मानने वाली दो शक्तियां ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध मैदान में खड़ी हों? तो किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका पहले से ही अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। आज की इस कथा में हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु के हुए एक ऐसे भयंकर युद्ध की, जहां सृष्टि का संचालन दांव पर था, जहां संसार का नाश होना तय था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या थी परिस्थितियां जिसमें इस प्रलयकारी युद्ध की नींव रखी गई? क्यों एक दूसरे को अपना आराध्य मानने वाली दो महान शक्तियां एक दूसरे के प्रति कड़वी हो गई? इसी बात की चर्चा हम आज की इस कहानी में करेंगे। प्राचीन काल से ये कथा बताई जा रही है कि जब भगवान शिव अपने साकार रूप में आए तो उन्होंने खुद से प्रकृति यानी माँ आदि शक्ति को अलग कर दिया। ऐसे में सृष्टि के संचालन पर प्रभाव पड़ रहा था। बात की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। ब्रह्मदेव, सृष्टि के संचालन हेतु हमें ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, अपितु संचालन की प्रक्रिया डगमगाने लगेगी। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान शिव के इस तरह विमुख हो जाने से सृष्टि के संचालन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे में हम दोनों को ही मिलकर त्रिदेवों से जुड़ा काम संपन्न करना होगा। जी ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी आप रखिए और सृष्टि का पालन करने का दायित्व मैं उठाता हूँ। भगवान शिव का इस तरह खुद से माँ आदि शक्ति को पृथक कर देना इस संसार के संचालन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता था। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने इसकी जिम्मेदारी खुद से उठाई। लेकिन वही चिंता का विषय अब भी भगवान शिव ही थे, क्योंकि इस तरह अपने दायित्वों से विहीन हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं था। देवी आदि शक्ति को खुद से अलग कर चुके देवों के देव महादेव एक लंबी साधना में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सही ढंग से संचालन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने कई संतानों और सप्तऋषियों को जन्म दिया। वहीं प्रजा की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को इसका भार सौंपा। आपको बता दें कि आदि शक्ति की लंबी तपस्या के पश्चात उन्हें प्रसन्न कर प्रजापति दक्ष ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपने घर में जन्म लेने को कहा, जिसके पश्चात देवी आदि शक्ति ने उन्हें मनचाहा वरदान देकर प्रजापति दक्ष के घर में जन्म ले लिया। इसके पश्चात उनका नाम सती रखा गया। कई वर्षों की साधना के पश्चात जब महादेव अपनी गहरी साधना से बाहर आए तो उन्हें अकेलेपन, उदासीनता और साथ ही और भी कई एहसासों की अनुभूति हुई। शक्ति से अनासक्ति का मार्ग चुन चुके महादेव वैरागपन की यात्रा पर निकल चुके थे। खुद को सबसे विहीन कर महादेव जंगलों में भटकने लगे। वहीं अनंत काल तक इस यात्रा को चलता देख भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से नहीं रहा गया। अगर इसी तरह महादेव खुद को वैरागपन में डुबाते जाएंगे तो सृष्टि का अंत निश्चित है। हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। कोई ऐसा उपाय जिससे महादेव को समझ आ जाए
कि संसार में उनकी कितनी जरूरत है। प्रणाम प्रभु। गरुड़, जो कार्य तुम करने जा रहे हो उसके लिए संसार तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। बस आपकी कृपा है प्रभु। वहीं दूसरी तरफ बैरागी बन चुके महादेव अभी भी अपने अंदर के खालीपन को समझ नहीं पा रहे थे और वो वन वन भटक रहे थे। मन के कोलाहल को शांत करने का उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। देवों के कई बार समझाने पर भी महादेव आदि शक्ति को अपना नहीं रहे थे। बिना आदि शक्ति के मिलन के महादेव खुद को पूर्ण नहीं कर सकते थे और ना ही खुद के अशांत मन को शांत कर सकते थे। शक्ति को यूं खुद से विहीन कर देना ना सिर्फ शिव को वैरागी बना रहा था अपितु संसार को भी अपूर्णता की ओर ले जा रहा था। जब ब्रह्मांड में ये सब घटित हो रहा था तो पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसा हो रहा था जहां सर्पों की प्रजाति नश्वरता की कगार पर थी। विष्णु के वाहन गरुड़ ने सर्पों पर हमला कर दिया और एक एक कर सभी को मृत्यु के घाट पहुंचाने लगा। त्राही मा, 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 त्राही मा। गरुड़ की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। वो एक एक कर सभी सर्पों को मार देना चाहता था। अपने भाई बंधुओं को मरता देख वासुकी से रहा नहीं गया और वो सीधा महादेव के पास अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर गए। महादेव, महादेव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, गरुड़ ने हम सभी सर्पों की प्रजाति पर हमला कर दिया है, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, रक्षा कीजिए महादेव। वासुकी, अपनी रक्षा करने के लिए तुम पूर्ण रूप से सक्षम हो। गरुड़ तुम्हारा भाई है, वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका कारण जानकर अपने भ्राता से बात करो। महादेव की बात मानकर वासुकी वहां से चले गए। फिर वो सर्पों के घर को युद्ध बना चुके गरुड़ के पास पहुंचे। गरुड़, ये सब उचित नहीं है। सर्पों पर हमला कर तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्रभु विष्णु के कहने पर कर रहा हूँ। सर्प योनि इसी लायक है। मेरे होते हुए तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन सबको छूने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सर्प योनि की जान बचाने के लिए वासुकी ने गरुड़ के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। एक तरफ महादेव का वैरागीपन, दूसरी तरफ संसार के तीसरे छोर के गायब होने से संसार का डगमगाना और तीसरी तरफ गरुड़ का अपने भाइयों पर हमला करना, ये सब किस दिशा की ओर ले जा रहा था? क्या भगवान महादेव अपने वास्तविक रूप को अपनाकर सृष्टि का संचालन ठीक से करवाने में ब्रह्मा और विष्णु की मदद करेंगे? क्या वासुकी और गरुड़ के युद्ध को खत्म किया जा सकेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का भाग दो हमारी अगली कड़ी में। तब तक के लिए हरि ओम।